हाय नी हाय नखरा तेरा नी हाय रेटेड गबरू नू मारे हाय नी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुलारे हाय नी हाय नखरा तेरा नी हाय रेटेड गबरू नू मारे हाय नी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुलारे तेरी टेडी टेडी तकनी कमाल कर गई अखा ना तू सवाल कर गई हाँ हाँ तेरी टेडी टेडी तकनी कमाल कर गई अखा ना तू सवाल कर गई अखा ना तू सवाल कर गई दिली दे किन्ने मरदे ने ते किन्ने पहला तुम्हारे हनी हाय नखरा तेरा नी हाय रेटेड गबरू नू मारे हाय नी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुलारे लक विच पाया कोका कहर कमाउंदा आ ये 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 हाय नी हाय नखरा तेरा नी हाय रेटेड गबरू नू मारे हाय नी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुलारे हाय नी हाय नखरा तेरा नी हाय रेटेड गबरू नू मारे हाय नी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुलारे तेरी टेडी टेडी तकनी कमाल कर गई अखा ना तू सवाल कर गई हाँ हाँ तेरी टेडी टेडी तकनी कमाल कर गई अखा ना तू सवाल कर गई अखा ना तू सवाल कर गई दिली दे किन्ने मरदे ने ते किन्ने पहला तुम्हारे हनी हाय नखरा तेरा नी हाय रेटेड गबरू नू मारे हाय नी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुलारे Dance workshop in Jagataran Golden Gate School, which was conducted by Allahabad Dance Center. And we are really proud because this center is being conducted by one of our ex students, Akshay. So we wish him luck that he flourish a lot and his name shines like a star always. It was a great exposure for the children, and I wish their center a very, very, very great luck that it really rocks in the city and its name spreads all over the country. आज हमारे स्कूल में जगतारण गोल्डन जुबली स्कूल में अलाहाबाद डांस सेंटर के बच्चे आए और उन्होंने वर्कशॉप ली यहाँ पे बच्चों की बहुत ही अच्छा लगा स्पेशली इसलिए अच्छा लगा क्योंकि अक्षय आए थे और बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट था मेरे लिए क्योंकि स्टूडेंट रह चुके हैं हमारे स्कूल के और एक टाइम स्टूडेंट थे और अब वो सिखाने के लिए आ रहे थे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया मुझे लगता है कि ज़्यादातर स्पेशली इंडिया में यूपी साइड मुझे लगता है ज़्यादातर पेरेंट्स जो है बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के पीछे ज़्यादा पड़े रहते ये नहीं समझते कि हर बच्चे का जो है चॉइसेस या टैलेंट अलग अलग हो सकता है कई बच्चे डांस में अच्छे होते हैं कई सिंगिंग में जिनका डांसिंग पैशन है उनके लिए बहुत ही अच्छा है कि प्लेटफॉर्म है सीखने की जगह है जहाँ पर बच्चे जाके सीख सकते आगे जाके इसी लाइन में कुछ आगे परस्यू कर सकते तो मुझे बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच व्यूज़ में देखा मैम सॉन्ग्स में देखा मैम कभी रियल मैम नहीं देखा था मैम जब रियल देखा मैम पूरा व्यूज़ ही बदल गया मैम डांस से मैम ऊपर से इतना अच्छा लगा मैम जो स्टेप हुए मैम बॉडी मूवमेंट हुई मैम लाइव देखने मैम अलग ही लगा मैम हार्ड दिया स्टेज हमें अच्छा लगा कि आप लोग ने इंकरेज किया उस बच्चों को जो जिसके पेरेंट्स कुछ अगेंस्ट रहते हैं डांस के और मतलब कि यहाँ बच्चे इंकरेज हो रहे हैं यहाँ की वजह से और मैंने भी कभी रियल में डांस देखा नहीं था लेकिन आज देख के बहुत अच्छा लगा आप लोग को थैंक यू भैया पहले हम लोग काफ़ी टफ लगता था बट आज जो किए इतना भी टफ नहीं है सीखने में अच्छा लगा आप लोग का एक्सपीरियंस भी अच्छा था ये डांस क्लास बहुत आपकी इंस्पायरिंग थी इससे कुछ बहुत कुछ हमको सीखने को मिला और आप लोग डांस काफ़ी अच्छा करते हैं एक्सरसाइज और पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट वार्म अप और ये सब कर सकते हैं ताकि हम अपनी पढ़ाई में